What's up guys, welcome back to another video. और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज back to back बहुत से videos मैं record कर रहा हूँ. The thing is कि मेरे पास हफ्ते में सिर्फ एक दिन होता है, which is today, Saturday, जब मैं videos record कर सकता हूँ, क्योंकि और दिनों में I have work, I have my family, I have my kids, I have some other things to do. तो यू नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, लेकिन दिस इज़ माई हॉबी और अपने शौक की खातिर मैं टाइम निकालता हूँ. तो मेरी कोशिश होती है कि आज के दिन में जितने वीडियोज़ शूट कर सकूँ मैं कर लूँ. तो चले जी, अब ये तो हो गया थोड़ा सा मेरे बारे में. तो इस वीडियो में हम एक बड़ी मज़ेदार चीज़ लेकर आएंगे, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है. इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे ब्लू स्काई फ्रॉम द हाउस ऑफ ऊद कलाकस. ऊद कलाकस आपको पता चल चुका होगा अब तक कि मेरे एक दोस्त हैं, उनका ये परफ्यूम हाउस है और वो मेरे दोस्त इस परफ्यूम हाउस की वजह से बने. अगर आप मेरे चैनल पे देखें तो आपको मेरे कुछ वीडियोस मिलेंगे जो उनकी दूसरी प्रोडक्ट्स पे मैंने बनाए हैं. जैसे एक वीडियो अमेजिंग पे बनाया था, एक उधर नखबा पे बनाया था. अगर आप जाके वो रिव्यूज़ देखें तो यू विल नो कि उनकी क्वालिटी और प्रोडक्ट्स किस लेवल की हैं. ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब. तो चलें आते हैं वापस अपने रिव्यू पर. तो ये है जी ऊद कलाकस, लेकिन इसकी बॉक्सिंग और प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ. लुक एट दिस फैमिलियर, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो व्हाट इज़ दिस. ये है जी डायलन ब्लू और डिलन ब्लू फ्रॉम द हाउस ऑफ वर्साची, वन ऑफ माय फेवरेट. आई लव दिस फ्रेगरेंस. अगर आप देखें, शायद आपको कैमरे में दिख रहा हो कि मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया. आई यूज़ इट लाइक 25%, क्योंकि मैं इसको बड़ी एहतियात से यूज़ करता हूँ, बड़ी केयर से, बिकॉज आई लव दिस फ्रेगरेंस. मैं इसके साथ बेदर्दी से पेश नहीं आता, मैं हमेशा इसके साथ बड़ा सॉफ्टली और नाइसली पेश आता हूँ. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट और ये बॉटल तो हमेशा मेरी कलेक्शन में रहेगी ही. अगर ये ख़त्म भी हो जाए तो आई विल गोना बाय अ न्यू वन. वेरी ब्यूटीफुल ब्लू कलर बॉटल. और चले अब मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ ब्लू स्काई की. तो अगर आप देखें, दिस इज इट. और अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा दूँ, सी दिस सेम पैटर्न जो कि आपको मिलता है डायलन ब्लू के बॉक्स पे. इसका बॉक्स मैंने फेंक दिया हुआ है, क्योंकि 2 साल पहले मैंने ये परफ्यूम बाय किया था और उस वक्त इस चैनल का या इन रिव्यूज़ का दूर दूर तक कोई प्लान नहीं था. तो जस्ट बाय द परफ्यूम, थ्रो द बॉक्स अवे एंड स्टार्ट यूजिंग इट. लेकिन गो टू द इंटरनेट एंड यू कैन सी द बॉक्स आर सो सिमिलर. ये थोड़ा बड़ा है बस उससे, बट सेम कलर ब्लू और सेम पैटर्न ऑन द साइड. तो अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि जी ये ब्लू स्काई जो है, क्योंकि इसका नाम भी ब्लू है और वो डायलन ब्लू है, तो शायद ये उसका अल्टरनेटिव है या उसका क्लोन है. नहीं, यू आर रॉन्ग, ये ऐसा नहीं है. लेकिन कुछ तो इसमें डायलन ब्लू से लिंक्ड है, इसलिए मैंने आपको ये बॉटल दिखाई और ये बॉक्स दिखाया. तो शायद अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे ये अपनी दूसरी प्रोडक्ट्स में करते हैं कि ऊद ऐड कर दी और मस्क ऐड कर दी, तो दे मेक समथिंग न्यू लाइक देयर ओन टेक ऑन एनी फ्रेगरेंसेस. तो नो, इवन यू आर रॉन्ग हेयर, स्टिल यू आर रॉन्ग. अभी भी आपने नहीं पकड़ा, इसमें किसी किस्म का ऊद वूद और मस्क नहीं है. दिस इज़ प्योरली फ्रेंच फ्रेगरेंस. तो फिर क्या है, एक बात मैं आपको बता दूँ कि दिस इज़ 50% डायलन ब्लू. तो बाकी 50% क्या है, चलें आपका सस्पेंस ख़त्म करते हैं. दिस इज़ अ मिक्स ऑफ डायलन ब्लू एंड सोवाज, डियोर सौवाज. यस, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. और जब मुझे हुसाम ने बताया, हुसाम भाई ने, तो मुझे भी थोड़ा शौक लगा, बट आफ्टर टेस्टिंग इट गाइस, बिलीव मी, दिस इज़ समथिंग वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग. प्रेजेंटेशन प्रीटी नॉर्मल, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल पेपर का बॉक्स है और इट लुक्स लाइक अ डायलन ब्लू बॉक्स. नाउ लेट मी शो यू द बॉटल. और बॉटल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, गुड बॉटल, ब्लू कलर बॉटल. और सिमिलर नहीं है, थोड़ी सी टॉल है और थोड़ी शेप का फर्क है. दिस इज़ लाइक मोर स्क्वेयर, वेरी सिंपल बॉटल. कैप अगर आप देखें तो आपको गोल्ड और ब्लू में इसका कैप मिलेगा. कैप विल नॉट गिव यू दैट लग्जरी फील और प्राइमरी फील. बड़ा बेसिक सा प्लास्टिक का कैप है, थोड़ी चीप फील देता है आपको. लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे, इस प्राइस टैग के साथ यू कैन नॉट कंप्लेन. कंप्लेन की ज़रूरत भी नहीं है, बॉटल कैप्स कौन देखता है, हमें तो परफ्यूम से मतलब है. तो कैप
ठीक है यार, इट विल डू द जॉब. ठीक है, लाइट सा कैप है हटा के. चले मैं आपको इसका स्प्रेयर दिखाता हूँ, एंड स्प्रेयर हेयर इज वेरी गुड. ओ एंड द स्मेल इज अमेजिंग, द परफ्यूम इज अमेजिंग. तो चले, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इट्स अ मिक्स ऑफ सोवाज एंड डायनन ब्लू. अब थोड़ी बात कर लेते हैं डायनन ब्लू और सोवाज की सिमिलैरिटीज पे. इधर कुछ मैंने नोट्स लिख के रखे हैं क्योंकि आज मैंने बहुत से परफ्यूम्स रिव्यू किए हैं तो सब कुछ याद रख नहीं सकता, तो आई टेक माई नोट्स हेयर. तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि डायनन ब्लू और सोवाज में क्या सिमिलैरिटीज हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर बेस्ड ऑन एम्ब्रोक्सिन. एम्ब्रोक्सिन, आप जाके मेरी सोवाज वाली वीडियो देखें तो उसमें आपको पता चलेगा. मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया कि हाउ एम्ब्रोक्सिन स्मेल्स. फ्रूटी, एक्वेटिव, एम्ब्रग्रीस एंड लिटिल बिट स्पाइसी काइंड ऑफ फ्रेगरेंस होती है एम्ब्रोक्सिन की. तो डायनन ब्लू और सोवाज में दोनों में मिलेगा आपको गुड डोज ऑफ एम्ब्रोक्सिन. उसके बाद दोनों में आपको मिलेंगे स्पाइसी. इन सोवाज यू विल गेट पेपर एंड सम मोर स्पाइसेस आर देयर. इन डायनन ब्लू यू विल गेट पेपर और उसके साथ आपको मिलेगा इनमें दोनों में सिट्रसेस. सोवाज में आपको मिलेगा बर्गामोट, डायनन ब्लू में आपको मिलेगा ग्रेप फ्रूट. और हेयर यू विल गेट ऑल्सो सम ग्रीन नोट्स, सम रिफ्रेशिंग नोट्स. और उसके बाद आपको मिलेगा डायनन ब्लू में एक्वेटिक नोट्स. आपको एक वो ओशनिक और वाटरी रिफ्रेशिंग नोट्स मिलेंगे जो कि सोवाज में नहीं है. और सोवाज में मिलते हैं आपको कुछ वुडी नोट्स जो कि डायनन ब्लू में आपको नहीं मिलेंगे. और दोनों में मस्क रहती है. हालांकि इनके बहुत से नोट्स सिमिलर हैं लेकिन उसके बावजूद ये एक दूसरे से काफ़ी अलग स्मेल करते हैं. सिमिलरिटीज ऑफ कोर्स रहती हैं, अगर आप स्मेल करेंगे तो फॉर श्योर आपको कुछ सिमिलर वाइब्स आएंगी, लेकिन ये दोनों परफ्यूम एक दूसरे से अलग हैं. तो डायनन ब्लू इज़ मोर फ्रेश, रिफ्रेशिंग, एक्वेटिक. ठीक है, और अगर बात करें सोवाज की तो वो थोड़ा सा मोर स्पाइसी और थोड़ा डार्क विंटर टाइप परफ्यूम है. लोग समर में भी लगाते हैं लेकिन समर में कभी कभी थोड़ा सा वो आपको अनकम्फर्टेबल कर देता है क्योंकि उसके स्पाइसेस थोड़े हैवी हैं. बाकी दोनों में मेरे ख्याल से एम्बरग्रीस का एक नोट है जो आपको एक वो वाइब देता है फ्रेशनेस की, एक्वाटिक वाइब, ये ऑशनिक वाइब. आई डोंट थिंक इन डायनन ब्लू में आपको एम्बरग्रीस नहीं मिलेगा लेकिन सोवाज में एम्बरग्रीस भी है. तो चलें, ये कुछ हो गया जिनके नोट्स का कंपेरिजन. जैसे मैंने आपको बता दिया कि दोनों परफ्यूम सिमिलर नहीं है, समहाउ इनके कुछ नोट्स सिमिलर हैं. लेकिन अब कहानी क्या है ब्लू स्काई की. वो लोग जो सोच रहे हो कि यार हमें सोवाज का कोई समर वाला वर्जन मिल जाए जिसमें थोड़े स्पाइसेस कम हो, थोड़ी सी फ्रेशनेस ज़्यादा हो और थोड़ा सा और फ्रूटी हो, और वो लोग जो डायनन ब्लू यूज़ करते हैं और लेकिन दे आर थिंकिंग कि यार दे वांट समथिंग सिमिलर बट समथिंग न्यू, कुछ नया एक्सपीरियंस चाहिए. और ऑन द सेम टाइम दे उनको डायनन ब्लू जैसा भी स्मेल नहीं करना और सोवाज से भी आप थक चुके हो और आपको वैसा भी स्मेल नहीं करना क्योंकि ये दोनों परफ्यूम बहुत फेमस हैं और बड़े कॉमन हैं. आप कहीं भी लगा के जाएंगे तो कहीं ना कहीं से आपको वो वाइब उनकी आ जाती है, वो स्मेल आपको उस मिलती जुलती मिल जाती है. इनकी कॉपीज़ भी बहुत हैं, कलोन भी बहुत हैं. डिज़ाइनर परफ्यूम्स 10 खरीद लें तो 8 उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट सेम स्मेल कर रहे होते हैं. तो अच्छा, इस सब के बावजूद चलें अब आते हैं इसके ऊपर. उन सब के लिए जो कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो कि यार कुछ इस टाइप का मिल जाए जो इस समर में कुछ नया हो, तो मैं आपको कहता हूँ गो फॉर दिस. दिस इज द मिक्स ऑफ सोवाज एंड डायनन ब्लू और बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको मिक्स किया गया. इसमें आपको सोवाज की स्मेल मिलेगी लेकिन वैसा स्ट्रॉन्ग आपको स्पाइस नहीं मिलेगा, और डायनन ब्लू की फ्रेशनेस मिलेगी और उसके साथ साथ आपको थोड़ी सी थिकनेस आपको सोवाज की मिलेगी. और वेरी ब्यूटीफुल क्रिएशन फॉर समर. यू आर गोइंग टू एंजॉय इट, वेरी नाइस, यू विल एंजॉय इट. आप इसको अगर ट्राई करते हैं समर के लिए तो बिलीव करें आपको बहुत पसंद आएगा. तो अगर आपको डायनन ब्लू पसंद है और आपको सोवाज पसंद है और आप उसके बावजूद कुछ अलग से ढूंढ रहे थे कुछ नया इस समर के लिए, तो दिस इज़ फॉर यू. और ये हो गया इसका कुछ स्मेल के बारे में. आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये कैसा स्मेल करता है, ख़ासकर अगर आपने ये दोनों परफ्यूम एक्सपीरियंस किए हैं डायनन ब्लू और सोवाज. तो ये थोड़ा सा हो गया इसका स्मेल का.
अब आते हैं इसकी परफॉर्मेंस पे. फ्रेश परफ्यूम्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लॉन्जिविटी के लिए, लॉन्ग लास्टिंग के लिए. कोई भी आप आज की तारीख में डिज़ाइनर फ्रेगरेंस ले लें. आई रिसेंटली बॉट वन विच इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ केंजो. बिलीव करें 3 से 4 घंटे मैक्स, नॉट मोर देन दैट, बट आई लव द फ्रेगरेंस, आई लव द स्मेल. उसके लिए मैंने वो बाय किया है. लेकिन कोई भी डिज़ाइनर परफ्यूम आपको 3 घंटे से ऊपर, मैक्सिमम 4 घंटे से ऊपर की परफॉर्मेंस नहीं देगा. तो क्योंकि ये भी फ्रेंच परफ्यूम है और इट्स अ मिक्स ऑफ दीज टू, तो शायद आप सोच रहे होंगे कि ये भी आपको 3 से 4 घंटे की परफॉर्मेंस देगा. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है. टोटल लॉन्जिविटी आपको देगा 5 से 6 घंटे की, जिसमें पहले 2 घंटे काफ़ी अच्छी प्रोजेक्शन मिलेगी. उसके बाद अगले 3-4 घंटे वेरी गुड सी आज वाइल मूविंग, आपके पास कोई आए, किसी को जाए, किसी से इंटरेक्ट करें, तो वो इसको स्मेल करेंगे. इट विल बिकम लाइट बट वेरी सेफ. आप इसको बहुत पसंद करेंगे अगर आपको फ्रेश एक्वेटिक डायलन ब्लू और डिज़ाइनर परफ्यूम्स पसंद है. यू गोना लव दिस. तो ये हो गया इसका परफॉर्मेंस के बारे में. और अब बात कर लेते हैं जेंडर की. बिलीव मी इट्स अ यूनिसेक्स परफ्यूम. फ्लोरल्स इसमें इतने नहीं है, बहुत लाइट, शायद कोई हिंट जैस्मिन का या कुछ हो, बट मेनली जैसे मैंने आपको बताया एक्वेटिक फ्रेश नोट्स हैं इसमें. और देर आर सम स्पाइसेस, ब्यूटीफुल स्पाइसेस, बट स्टिल वुमेन दे कैन पुल इट ऑफ इजीली. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रेगरेंस. द क्वालिटी हेयर इज़ वेरी गुड. आपको चौक नहीं करेगा इवन इफ यू गो स्प्रे हैवी, ट्रिगर हैवी विद दिस. आपको चौक नहीं करेगा. इट्स अ वेरी गुड फ्रेगरेंस. तो लेडीज कैन इजीली पुल इट ऑफ, बट मेनली आई थिंक दिस इज फॉर जेंट्स. इवन द कलर, द ब्लू हेयर और सोवाज एंड डायन ब्लू, ये सब मैस्कुलिन फ्रेगरेंसेज हैं. लेकिन लेडीज मस्ट ट्राई, मे बी दे विल लाइक इट बिकॉज दिस इज सो फ्रेश एंड सो एक्वेटिक. तो ये हो गया इसके जेंडर के बारे में. इफ आई टॉक अबाउट द एज ग्रुप, ऑल द गाइज इन कॉलेज, टीनेजर्स, गाइज दिस इज फॉर यू. You are going to love this. This is specially for teenagers. Teenagers को ये बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि Sauvage is a bit mature for teenagers. तो वो बच्चे जो नए नए जवान हो रहे हैं और कम एज के हैं, यंग हैं, they are going to love this. और इवन कि उनकी पॉकेट पे भी इतना जोर नहीं आने वाला क्योंकि इसकी प्राइस बड़ी ज़बरदस्त है, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. डेफिनेटली दिस इज़ समर फ्रेगरेंस. बट बिकॉज देर इज़ Sauvage हेयर, आप इसको विंटर में भी लगा सकते हैं, होल ईयर यू कैन गो विद इट. तो चलिए अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, विच इज़ प्राइजिंग. डायन ब्लू 100 ml EDT कंसेंट्रेशन की प्राइस है 185 dirham और Sauvage 100 ml EDT कंसेंट्रेशन की प्राइस है 345. एंड बोथ ऑफ दिस फ्रेगरेंसेस इस एक बोतल में दोनों डाल के 100 ml EDP कंसेंट्रेशन की प्राइस है, क्या प्राइस है, 57 dirham. यस, एंड देन देर इज अ मोर सरप्राइज. अगर आप इनकी वेबसाइट पे अभी जाएं तो देर इज़ अ 25% फ्लैट डिस्काउंट ऑफर. तो अगर आप इनकी वेबसाइट से बाय करेंगे तो 57 पे 25% आपको मिलेगा डिस्काउंट. और उसके बाद देर इज़ समथिंग मोर फॉर यू. अगर आप इनकी दुकान पे जाते और यू मीट मिस्टर हुसाम, ये फिर माई रेफरेंस और मेरे चैनल का, अगर आप उसको रेफरेंस देते हैं तो ही विल गिव यू मोर डिस्काउंट. तो गाइस, इन दिस प्राइस रेंज यू कैन नेवर गो रॉन्ग, बिलीव मी, दिस अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट. लेकिन अगर आप जाना चाहें शॉप पे जाएं, टेस्ट करें, अगर आपको डायन ब्लू Sauvage पसंद है तो दिस इज़ फॉर यू. तो ये था आज का रिव्यू. आई ट्राई टू मेक इट शॉर्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. उम्मीद आपको पसंद आएगा. तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़.